हेलो एवरीवन, आज हम घटनाचक्र हिस्ट्री का पढ़ेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है पाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो है किंतु उनके अपठ्य और दुर्बोध होने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता और अद इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और ताम सभ्यता आती है, जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। यह है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी तीन कालों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल क्रोड़ उपकरण हस्तकुठार खंडक विदारिणी, मध्य पाषाण काल फलक उपकरण और उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिणी और खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चापर चपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदम दूरे तथा अतिरमकम से हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर स्केपर आदि है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अतिरमकम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जीआर शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरस्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोदंगा नाला क्षेत्र से इस काल के अस्थि निर्मित माता देवी की एक प्रतिमा मिली है जो संप्रीति कौसंबी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। उनका भोजन मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण ये कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्रह करता था। इस युग के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867-68 में हुई, जब आर्किबाल्ड क्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र रॉक पेंटिंग खोज निकाले। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण अथवा पत्थर के छोटे औजार भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त हुए हैं। गुजरात स्थित लंगनाच सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान, कुछ मिट्टियों के बर्तन भी प्राप्त हुए। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले। मध्य पाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जीआर वर्मा शर्मा ने
मद्रास के तीन क्षेत्रों का उल्लेख किया, जो झील क्षेत्र, पूछड़खाना सकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। पूछड़खाना सकुल क्षेत्र में हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श मदहासराय नारायणहार राय दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए जाने वाले उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधान में से 5 समाधान युगम समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। स्वयं समाधान में एक दूसरे के कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए। सराय नाहर राय से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्रों के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली और अंडाकार थी। विंध क्षेत्रों के लिखानिया के शिलाश्रय की संख्या 1 को मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में और अधिकांश छत विछत अवस्था में। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर और लुकास के अनुसार लिखेनिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोल से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल इसके मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद वस्तुओं का संग्रह से कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीम बेट का ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाशय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इनमें से 133 शिलाशय में चित्रकारी प्राप्त हुए। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ है। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लवरा देव है। यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है, इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूँ के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थित कोलडीहवा इलाहाबाद के जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले माना जाता है। चीन के यांगत्से नदी घाटी में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया है। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैकिस्को से मिलता है। मैकिस्को से प्राप्त मिलता है। बाजरा 5500 चीन में, सोरगम 5000 ईसा पूर्व में अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में, तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मुजहोम से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। इस इस्तेमाल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। गुफरकल कश्मीर में स्थित पाषाण स्थल है। गुफरकल का अर्थ होता है
कुलाल अर्थात कुमार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से हड्डियों के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सिंगों में निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाणकालीन पुरातत्व के राग के स्मारकों की पहचान की गई है। नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राग के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लरी जनपद में स्थित संगलकलू नामक स्थान से प्राप्त हुए। पिकलीहल उतनूर आदि स्थलों में भी राग के टीले मिले हैं। ये राग के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का अवशेष नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे तामपाषाण संस्कृति कहा जाता है। तामपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग व्यवस्था। भारत में तामपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई। दक्षिण पूर्व राजस्थान में पुरास्थल की खुदाई की गई है। ये है आहार भलायत बगोर ओजीवाना गिलुंद। ये पुरास्थल बनारस घाटी में है। बनारस घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनारस संस्कृति भी कहते हैं। आहार का प्राचीनतम नाम तांबती अर्थात तांबे की जगह है। गिलुंद बालाथल ओजियाना में घरों की चार दीवारी से घेरा गया। आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं वह पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति 2100 से 1500 अन्य तामपाषाण संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों में लाल और काले नलेप के मेदभांड बने, यहाँ पर इस ऐप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मिद्भांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा कायथा एरिन नंदाटोली प्रमुख स्थल है। नंदाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण तामपाषाणिक पुरास्थल है जो खगरौन जिले में स्थित है। इसके उत्खनन HD संकलिया ने करवाया था। यहाँ से मिट्टी बांस फूस के बने चौकोर और मित्रकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मेदभान लाल रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मेदभांडों में कुछ प्राक हस्त हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव के भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति के लगभग 40 बस्तियां मालवा से प्राप्त हुई हैं जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मेदभांड उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा आयरन की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल है अहमदनगर जिले में चोरवे नुवासा दैमाबाद, पूरे जिले में चंदोली सोनगांव इनाम गांव प्रकाश अनासिका। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति 1400 से 7700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे महत्वपूर्ण है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है जिसमें लगभग 4000 लोग जिसमें लोग रह सकते थे। निवास जोरवे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोरवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है।
महाराष्ट्र की त्रांपाशीनकालीन संस्कृति के निवेशक दमवा चंदोली इनाम गांव आदि पूरा स्थल में मृतकों की अस्थि कलश से में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श पर नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थलों पर चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के बर्तन, कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले। फिर पश्चात की अवस्था 1300 पाँच कमरे वाला एक मकान मिला है। इसमें चार कमरे आयताकार है, एक वृत्ताकार है। इनम गांव में 130 से अधिक घर एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किला बंद है और खाई से घिरी है। यह शिल्पी प्रसारी लोग यह शिल्पी या प्रसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अनगार भी मिला है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिमी बंगाल के गर्दवान जिले के पांडू राजा भी ढीबी और वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय त्रामकालीन स्थल है। कुछ अनपुर स्थल जहाँ खुदाई हुए वे हैं बिहार में सोनूवार सोनपुर ताराडी अथवा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहना। बिहार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र गोड़ीदार तस्तीरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिणी पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य रेलवे, पश्चिमी महाराष्ट्र और आनंद रहने वाले त्रामपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। यहाँ से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त के बाजरे की खेती भी मिली है। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्मिनी संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर के काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन स्टेटाइट क्वार्ट्ज़ाइट क्रिस्टल अच्छे पत्थरों के मनके और गुटकाएं भी बनाते थे। ये लोग कताई या बुनाई जानते थे क्योंकि मालवा में चरखे तकलियां मिली। महाराष्ट्र में कपास, सन, सीमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनंगाँव में कुमकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनंगाँव में माती शक्ति की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी मध्य एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ यह सूचित करती है कि वृषभ धार्मिक ग्रंथ का प्रतीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली निवेशा बस्तियों में कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनके का हार पहनकर उन्हें दफनाया गया, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर पश्चिम की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई। इनमें 424 तांबे के औजार और हथियार, 102 चांदी के पतले पत्थर प्राप्त थे। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और दो आदित्य ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई हैं। इस स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों के गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी ताम पट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के समृद्ध खानों के निकट पड़ता है।
दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी और पिकली हल, संगल कलो, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषकों की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। भारत में सर्वप्रथम 1867 में अलेक्जेंडर कनिंगम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण के सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया है। अब हम क्वेश्चन आंसर में आते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, ए और बी दोनों हैं, भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्व। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्व थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अंत स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी है, जो कि है भूगर्भ विज्ञान पुरातत्व। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण और कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन है थॉमसन ने किया। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण और कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जार्गेशन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में। पूरा पाषाण मध्य पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते लगते। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोर से मिले थे। मध्यपाषाण प्रसंग में पशुओं के प्रमाण मिले हैं, वह स्थान है आदमगढ़। निम्नलिखित के स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं मदहा और सराय नहर राय से। मध्यकालीन मदहा से, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, बड़ी मात्रा में हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जिया शर्मा मदहा में तीन क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचनखाड़ा संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचनखाना संकुल क्षेत्र में ही हड्डियों से निर्मित उपकरण महाभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सराय नहर से और मदहा से एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय मदहा और दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक के उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युगम समाधान और 1 समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। इस समाधान में एक एक कंकाल मिले हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी कहाँ? नवपाषाण में। खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा नामक पुरातत्वस्थल से प्राप्त हुआ है। इनकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 को किया गया। फिर है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी।
मानव द्वारा स्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। आधुनिक मानव समाज में मुख्य रूप से आठ खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, जई। फिर अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लवरा देव से। नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम किसी साक्ष्य वाला स्थल है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित लवरा देव में। यहाँ से 9000 से 7000 तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान से बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य स्थल कोलाडीवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लवरा देव रहता है तो इस उपयुक्त विकल्प वही रहेगा, पर लवरा देव के विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्षितम प्राप्त हुए कोलाडीवा से। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के उदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ में। 16 नंबर हो गए। भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से, उस स्थल का नाम जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण पत्र मिले। मेहरगढ़ दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। मतलब 7000 ईसा पूर्व, जबकि किली गुल मोहब्बत काली मंदिर की प्राचीनतम तिथि का दशक 4000 ईसा पूर्व 3500 ईसा पूर्व है। विकल्प डी सही उत्तर। फिर निम्नलिखित किस स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पूरा स्थल के प्रमाण मिले हैं? बागोर। मध्य पाषाण काल से पूरा स्थल के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पाषाण काल के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के स्थित बागोर से मिलते हैं। निम्नलिखित किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। फिर निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवदा टेली का उत्खनन के नवदा टेली का उत्खनन नंदक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर H.D. संकलिया ने किया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाण ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व
1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की है। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान पर। राग का टीला निम्नलिखित किस स्थान से संबंधित है? बी यानी कि संगन कालो। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रत्यासिक काल शैल का चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं के जीवन में विविध रंगों को पेंटिंग को उकेरा गया, जिनमें से हाथी, सांबार, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 133 में चित्र पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रत्यासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन। भारत में किस शिला से अत्याधिक स्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों के ऐतिहासिक महत्व को खोजा? बी एस वांगकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रत्यासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 बी एस वांगकर ने की। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। गौरिक मितवान पानकर नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवत उस संस्कृति के साथ शुरू हुई है, जहाँ से पत्तन विशिष्ट मितवान के नमूने के कारण गैरवर्णी गैरिक मितभांड कहा गया है। बी लाल ने 1941 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मितभांड प्राप्त किया है, वहाँ इसकी नामकरण हुआ है। कांपाशन काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण। महाराष्ट्र की तांपाषाणकालीन संस्कृति के निवेशा दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनामगांव आदि पुरस्थल में घरों से मृतकों के अस्थि कलश के में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। कमरे मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। निम्नलिखित में से किस स्थान मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल समाधान में मिला है? बुझोम में। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुझोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल समाधान में प्राप्त हुआ है। गतावास गड्ढों का उकले घर भी यहाँ की मुख्य विशेषता है। निम्नलिखित स्थल पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुझोम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुझोम से। किस क्षेत्र के किस इलाके से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखनिया। जेएन पांडे की एक पुस्तक पुरातत्व विमर्श के विभिन्न क्षेत्र के लेखनिया के शिलाशय संख्या एक के मध्यपाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं। अधिकांश छत विछत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखानिया में कुल 27 मानव कंकाल के अस्थियां मिले हैं। नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन दूसरे को कान कहा गया है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण योगिन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रज्वान किया। दूसरा कारण है कि ये था स्टेटमेंट और दूसरा है मतलब अभिकथन और दूसरा है कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसमें क्या राइट है? दोनों ए और बी दोनों सही है और
एक ही सही व्याख्या करता है। जिया शर्मा ने सहारे में खुदाई के दौरान यह अवधारणा देखी। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अलेक्जेंडर कनिंगम को एक ब्रिटिश अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर अब दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर देते हैं, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। या भारत संस्कृति के, यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।